नमस्कार। अगली खबर नई दिल्ली से आ रही है, जहां महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फ्लोर टेस्ट करवाने का आदेश दिया है। जी हां, कोर्ट ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर तुरंत नियुक्त किया जाए, शपथ ग्रहण कल सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक करवा लिया जाए, इसके बाद गुप्त मतदान के बिना फ्लोर टेस्ट करवाएं, विधानसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण भी हो। कोर्ट ने सोमवार को 1.5 घंटे सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जी हां, सुनवाई के दौरान विपक्ष ने 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की थी। जस्टिस एनवी रमना ने फैसले में कहा कि इस अंतरिम चरण में सभी पार्टियों को संवैधानिक नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। शिवसेना के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नीति से जुड़े फैसले लेने से रोका जाए, हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। बेंच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा राष्ट्रपति शासन हटाने और शपथ ग्रहण करवाने के फैसले की न्यायिक समीक्षा के मुद्दे पर बाद में फैसला सुनाएगा। इसके लिए अलग अलग पार्टियों को नोटिस भेजे गए हैं। जी हां, कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले से कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना संतुष्ट हैं। देवेंद्र फडणवीस को आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। राकांपा नेता नवाब मलिक ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर है, कल शाम 5 बजे से पहले ही भाजपा का खेल खत्म हो जाएगा। जी हां, कुछ दिन बाद गठबंधन की सरकार बनेगी। सोमवार रात को विपक्षी दलों की 162 विधायकों ने मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में एक साथ पहुंच शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, राकांपा प्रमुख शरद पवार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट शामिल हुए। जी हां, उद्धव ने विधायकों से कहा कि अब हमारे दोस्त बढ़ चुके हैं, सत्ता में जय नहीं सत्य में जयते होना चाहिए। हम सिर्फ 5 साल कुर्सी पर बैठने नहीं आए हैं, बल्कि 25 से 30 साल के लिए आए हैं। जी हां, हमारी संख्या इतनी ज्यादा है कि वह एक फोटो में नहीं आ सकती। जी हां, राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि फ्लोर टेस्ट वाले दिन मैं 162 से ज्यादा विधायक लेकर आऊंगा, यह गोवा नहीं महाराष्ट्र है। जी हां, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर राकांपा प्रमुख शरद पवार फैसला ले सकते हैं, क्योंकि सोमवार को राकांपा के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल अजीत को मनाने के लिए गए थे। बाहर निकलकर भुजबल ने सिर्फ इतना ही कहा कि अजीत से उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर वापस पार्टी में लौटने की अपील की है। सोमवार को विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की गैर मौजूदगी में राजभवन के अधिकारी को 162 विधायकों के समर्थन वाला पत्र सौंपा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।